अस्सलामु अलैकुम, सल्ले अला सुभानल्लाह। मैं तौकीर हाफिज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और आज आपको जीजी प्लांट दिखा रही हूँ, वो भी मेरा हेल्दी प्लांट। और ये देखें, ये मेरा 1 ईयर से अबव है और बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। और मैंने इस जीजी प्लांट से देखें आपको ये दिखा रही हूँ, इसके लीफ से और इसकी स्टेम से मैंने कटिंग करके और इस पॉट में लगाया था। व्यूअर्स, तो मैं आपको दिखाती हूँ व्यूअर्स, आए अपनी इस वाले प्लांट की तरफ। और ये देखिए छोटे से, ये मैंने आपको नेक्स्ट 5th मंथ वाली वीडियो में आप शेयर किया था और इसी मेरे 5th मंथ के हो गए। और छोटे छोटे से स्टेम और मैंने जो लीव्स हैं वो ग्रो किए थे, कुछ लीव्स फिर मैंने दोबारा इसमें डाल के ग्रो कर दिए थे। और इसमें कुछ और भी प्लांट्स आ गए हैं। और ये देखिए देखिए स्टेम, और इसमें देखिए कितनी कितनी ज़बरदस्त चल रही है। ये लीव्स मैंने ग्रो किए थे, देखिए ये भी चल रहे हैं, ये भी देखें और ये देखें। तो ये मेरे 5th मंथ के हैं। और व्यूअर्स, पीछे में मेरा एक अमरूद गावा क्या ये जो है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये प्लांट निकल आया है इसी में, क्योंकि मैंने इसको छुआ नहीं था, बस इसको रख दिया था। आपको इसका मेथड भी बता दिया था कि किस तरह इसको करना है। तो मैंने आज आपको यही दिखाने के लिए कि मेरी इसकी अपडेट कैसे चल रही है। और ये देखें मेरा जीजी प्लांट कितना हेल्दी है और तो ज़बरदस्त चल रहा है। तो मैंने आपको ये दिखाने के लिए किया, और मैं इसलिए अपडेट दे रही हूँ कि देखिए हम जीजी प्लांट को पानी में भी कर सकते हैं। मैंने पानी में किया, वो भी आपको दिखाया था। और ये देखें इसमें भी मैंने ग्रो किया, तो वो भी मैंने आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए 5th मंथ में देखें इसकी कितनी ये छोटी सी लगाई थी, अब देखें कितने ज़बरदस्त इसकी ये चल रही है। और देखें इसके लीव्स आ रहे हैं। और ये देखें इसमें भी देखें आप व्यूअर्स, और ये देखें इसमें भी देखें, तो ये सब इजी तरीके से चल रहे हैं। तो मेरे किसी व्यूअर्स ने कहा था कि आपने जो स्टैम्प लगाई थी वो आपकी सक्सेस हुई कि नहीं, तो मैं अपने व्यूअर्स से ये बताना चाह रही हूँ कि देखिए मेरी सारी सक्सेस हो गई। और इसमें कुछ प्लांट भी निकल आए दूसरे, तो मैंने उसको छेड़ा नहीं कि ये मुझे गावा का मुझे लग रहा है, अमरूद कर रहा, तो मैंने कहा चलो इसमें निकल आया है, तो मैंने इसको छोड़ दिया है और बाद में इसको दूसरे में शिफ्ट कर दूँगी। तो मैं आपको सारी तरफ से मूव करके इसलिए दिखा रही हूँ कि ये मेरा इसी दौरान ये पार्ट भी थोड़ा सा वो हो गया था, तो उसमें मैंने कहते हैं थोड़ा सा रिपेयर कर लिया था और मैंने इसी में लगे रहने दिया, मैंने दूसरे में शिफ्ट नहीं किया। अगर हम एक बार शिफ्ट कर देते हैं तो अपनी कोई भी जो है कटिंग लगाते हैं और उसको बार बार शिफ्ट करेंगे तो वो कटिंग ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आप कोशिश करें, लीफ से कटिंग लगा रहे हैं या आप स्टेम से लगा रहे हैं, उसको बिल्कुल छेड़े नहीं। इसको जिस तरह मैंने आपको बताया था, कुछ दिन मैंने शिमी शेड में रखा, फिर जब इसमें थोड़ी सी रूट्स डिवेलप हुई तो फिर मैंने इसको अब नॉर्मल इस पर रखती हूँ, जो एक नॉर्मल धूप आती है 4 घंटे की 5 घंटे की धूप में रखती हूँ, और ये अच्छा सर्वाइव कर रहा है। और देखिए मेरे अच्छे अच्छे से बन गए हैं और बहुत सारे इसमें से थोड़े ग्रो हो गए थे, कुछ मैंने निकाल के दे भी दिया। मैंने बहुत सारे लीव्स भी लगाए थे, वो मैंने दे दिए, क्योंकि बहुत सी मेरी जो हैं फ्रेंड्स उनको बहुत प्लांट लवर हैं, तो उनको अब वो आती हैं, वो देखती हैं कि अब तौकीर ने क्या लगाया है, तो देखते हैं वो मैं उनको पसंद आता है तो कहती हैं हमें दे दें। तो अच्छी बात है, मैं प्लांट तो कहती हूँ कि एक दूसरे को गिफ्ट दें। तो ये क्या, अब तो वैलेंटाइन डे 14 को आएगा, तो आप लोग इस जगह पर आप अपने जो है दोस्तों, अपनी मदर्स, अपने पेरेंट्स और अपने सिस्टर्स, अपने ब्रदर्स को प्लांट ज़रूर दीजिएगा और ये बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मैंने इसलिए दिखाया कि आपको इसकी अपडेट दी कि मेरा इस प्लांट, और इस प्लांट में आपको मैंने एक वो भी दिखाया था जैसे कि बेबी कॉर्न होता है ना, इस तरह से इसमें एक भुट्टे की तरह एक फ्लावर आता है और यहाँ पर से फ्लावर निकलता है और वो भुट्टे की तरह होता है, जो बेबी कॉर्न की तरह होता है। तो उससे तो मैंने कभी ग्रो नहीं किया, और मैंने इसकी स्टेम से और इसके जो है लीफ से ये सब ग्रो किया।
और ये दिख रहा होगा आपको, तो इसमें से मैंने एक काटी स्टैम्प, वो भी मैंने काट के ग्रो करके अपने जो फ्रेंड्स उनको दिया, कि बहुत से फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं, उनको प्लांट पसंद होते हैं, तो आपको देना पड़ता है व्यूअर्स। तो आपको देखिए कितना मेरी ये कितना हेल्दी चल रहा है, आपको ये मैंने पहले दिखाया था, ये और भी ज़्यादा देखिए कितना ऊपर ऊपर जा रहा है। तो मैंने सोचा है कि अब इसको व्यूअर्स जो है इसको जो है ज़मीन में शिफ्ट कर दूँगी, और कुछ पूरे नहीं शिफ्ट करूँगी, कुछ इसके हो शिफ्ट कर दूँगी। तो आप लोग देखिए कितने हसीन लग रहे हैं। तो इसकी अपडेट कैसी लगी आपको, मैंने बताया था सिर्फ मैंने किस में किया था, रिवर सैंड में किया था, और अगर चाहें तो जब थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आने लगे तो आप थोड़ी सी कावडंग डाल दें या वर्मी कंपोस्ट डाल दें, ये डाल के आप इसको बढ़ने दें, फिर इसमें पानी टाइम टू टाइम देने लगें। तो मैंने आपको ये बताया था कि पानी आप जो है ड्रेन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रे मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों चीज़ आप इसमें करेंगे तो ये सक्सेस होगा। तो मैंने अपडेट दी कि अपने ये देखिए मेरे जीजी प्लांट की अपडेट, इसका देखिए कितना बड़ा चल गया, इसका भी कितने बड़े हो गए। तो ये सब मैंने दिखाने का सिर्फ यही मेन मकसद था कि मुझसे किसी ने पूछा था कि आपके वो जो लगाए थे वो आपके सक्सेस हुए कि नहीं हुए। तो आज मैंने आपको अपने ये प्लांट को दिखाया और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेस चल रहा है, और इसमें से बहुत सारे मैंने प्लांट निकाल के दे दिए, क्योंकि ये बहुत घना घना सा बुशी बुशी सा हो गया था, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे चारों तरफ लग गए थे। तो दे दिए, तो आई होप इसका समझ में आ गया होगा। और इसको भी ज़्यादा धूप तो हर को चाहिए, आप इसको 4 या 5 घंटे की धूप में रखिएगा, ज़्यादा धूप में रखेंगे तो इसके पत्ते जो है येलो येलो हो जाएंगे, पीले पीले से हो जाएंगे। तो ये पत्तों का ऐसे ये इसकी खूबसूरती ही है कि ये इसके जो लीव्स हैं बड़े इसीलिए खूबसूरत लगते हैं, जो ग्रीन ग्रीन होते हैं, शाइन शाइन होते हैं, और ये अगर आप इंडोर रखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से सरवाइव करता है। इंडोर रखने से ये होता है कि आपका एयर प्योरी का काम करता है, आपकी फ़िज़ा की आलूदगी को दूर करता है, और कमरे में अच्छे जो है ऑक्सीजन फ्राहम करता है। तो आप अपने कमरे में भी इसको रूम में भी रखें तो रूम के लिए बहुत ईजी है और बहुत ही अच्छा है। आप रूम में हफ्ते हफ्ते रखें और फिर उसके बाद इसको 24 घंटे के लिए धूप, जैसे आप 2 दिन के अब धूप में रख दें इसको, तो ये बहुत अच्छा सर्वाइव करता है और इजी टू ग्रो प्लांट है। देखिए लीफ से भी ग्रो हो जाता है, स्टेम से भी ग्रो हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये सब चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन दी, और मेरा कैसा लग रहा है आपको जीजी का ये प्लांट, तो उसकी स्टेम से ग्रो किया था ये भी दिखा दिया अपडेट। तो आई होप आपको इसकी अपडेट आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, और दुआ में याद रखिएगा।